हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूफीस कॉर्नर। आज हम आपके लिए कर आए हैं ईद स्पेशल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग के पास मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम शीर बनाएंगे। शीर के लिए मैंने यहाँ मिल्क लिया है, इसमें बनारसी सेवैया ऐड कर दी है। अगर आपके पास बनारसी सेवैया ना हो तो आप सादी सेवैया इसमें डाल लें। खोल आ गया है, इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी घूमने पर इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देना है। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और एक पैन में घी लिया है, अब इसमें मखाने डाल देंगे। खाने को फ्राई कर लेना है। खाने फ्राई हो गए हैं, अब उसी पैन में हमने घी लिया है और छोटी इलायची डाल दी है बघार के लिए। शीर को बघार कर लेना है। हमारी शीर तैयार हो गई है। अब छोले बनाएंगे। छोले के लिए सबसे पहले मैंने मटर को बॉईल कर लिया है और इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसमें हमारा चिली पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर और नमक डाल देना है। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है। इसमें हरी मिर्च, हरी धनिया, सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारे छोले तैयार हो गए हैं। और काबुल चने के लिए यहाँ पे तेल, जीरा और हींग लिए हैं। अब इसमें प्याज डाल देना है। प्याज को हल्का सा गुलाबी कर लेना है। अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, सबको मिक्स कर लेना है। अब इसमें टमाटर डाल देना है। टमाटर डालने पर इसको एक दो मिनट के लिए पका लेना है। अब इसमें नमक डाल देना है। काबुली चने को पहले ही बॉईल कर लिया था, अब इसमें हरी मिर्च डाल के हमें चने को डाल देना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आमचूर पाउडर और जीरा डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें चना मसाला, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें धनिया डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे काबुली चने तैयार हो गए हैं। अब इसमें दही सॉल्व करने के लिए बेसन लिया है, सोडा, लाल मिर्च और नमक डालकर इसको मिक्स कर लेना है और इसका थिक पेस्ट बना लेना है। देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसे रखनी है। अब इसको फ्राई कर लेंगे। तरह से हम सारी फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो गई है। अब इसको हम पानी में डाल देंगे। पानी में आपको जब तक डालना है जब तक आपकी ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने इसको निकाल लिया है पोटलियों को, देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। दही के लिए रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, चाट मसाला, हरा धनिया लिया है। बघार के लिए ऑयल, जीरा, हींग लिया है। और हम पहले ही बना चुके हैं तो इसके इंग्रेडिएंट आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो हमारी ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ट्राई करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें। और
और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ज़ूफीज़ कॉर्नर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।